हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानुद बोधी रान्नाघर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ नवाबी सेवई की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो हर घर में अपने अपने तरीके से सेवई बनाई जाती है, पर आज मैं आप लोगों को जैसे मैं बनाती हूं नवाबी सेवई, उसकी रेसिपी बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुँह में घुलने वाली एक शाही डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नवाबी सेवई। एक पैन में हमें 2 चम्मच घी लेना है। घी को हल्का गर्म कर लें। फिर इसमें 1 चम्मच कटा हुआ काजू, 1 चम्मच कटा हुआ खजूर, पिस्ता 1 चम्मच लंबा कटा हुआ, और बबादाम आलमंड 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को हमें भूनना है। इन सब चीज़ों को हमें करीब 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से भून चुके हैं, अब हमें इन्हें निकालना है। एक बाउल में इन्हें निकाल लें। अब उसी पैन में 1 चम्मच घी लें और उसमें करीब पतला सेवई, मैंने यहाँ लंबा पतला सेवई लिया है, इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। 1 कटोरी लिया है मैंने ये सेवई, इसको डालें और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। सेवई हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने 2 कप फुल क्रीम दूध लिया है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अब बॉईल करना है। जब दूध अच्छे से बॉईल होने लगे, फिर इसमें 1/4 टीस्पून कुटा हुआ इलायची पाउडर डाल दें। मैंने यहाँ हरी इलायची को अच्छे से कूट लिया है। अब जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा है, उसे भी इसमें डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें इस तरीके से डाल दें और 1 मिनट तक सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे पकाएं। अब हमें इसमें कंडेंस मिल्क डालना है। करीब 3 बड़ा चम्मच आप कंडेंस मिल्क डाल दें। मिठास आप अपने हिसाब से रखिएगा। आपको अगर लगे कि और ज़्यादा मीठे की ज़रूरत है तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। इसे अब हमें 1 मिनट तक और गर्म करना है। अब इसमें करीब 1/4 टीस्पून फूड कलर डाल दें। आपके पास अगर फूड कलर ना हो तो आप ना डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसमें जो हमने सेवई को भुना था घी में, उसको अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसमें मीडियम फ्लेम पर करीब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। सेवई हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब हमें इसमें 1/4 टीस्पून गुलाब पानी डालना है और करीब 1 चम्मच किशमिश। किशमिश को आप सबसे अंत में डालें और अच्छे से चला लें और गैस के फ्लेम को बंद कर दें। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नवाबी सेवई बिल्कुल तैयार है। मैं इसे पिस्ते के साथ गार्निश कर रही हूँ। दोस्तों, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।